कहते हैं, एक समय हरिद्वार हर पैड़ी पर कुंभ का मेला हुआ। कुंभ की परग भी लगनी थी, उसका संयोग आ गया और ये सभी साधक जो तीनों गुणों के उपासक गिरी पुरी औघड़नाथ कनपाड़े वैष्णो नागा और बिना जाने कितने प्रकार के ये पंथ हैं, ये सारे सभी वहां पर स्नान करने के लिए उस पर भी मैं उस संयोग में स्नान करने के लिए चले गए। वहां पर ये अपने अपने समूह में मिल जाते हैं। नागाओं की अलग मंडली होगी, वैष्णों की अलग, पुरी ग्रुप के अलग होंगे, गिरी ग्रुप ग्रुप के अलग होंगे, कनपाड़े न्यारे वैसे नाथ अलग से। ये जिनको हम ग्रह त्याग कर सन्यासी कहते हैं, जिन्होंने सन्यास ले लिया बैरागी हो गए, उनके बारे में परमात्मा बताते हैं उन्होंने पांचों नारी गैर ले रखी, वो त्यागनी चाहिए थी। तो वहां पर क्या हुआ कि प्रथम स्नान करने के को लेकर के वैष्णो साधुओं में और नागा भक्तों साधुओं में झगड़ा हो गया। नागा के हम पहले नहाएंगे, स्नान करेंगे, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी बैरागी हैं और हम बिल्कुल निर इच्छा रहते हैं। वैष्णो साधु कहते हैं कि हम विष्णु जी के उपासक हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, विष्णु जी सब सबके मालिक हैं और नागो तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, उगाड़े फिरो पशु की तरह, तुम काहे के सर्वश्रेष्ठ हो, काहे के तुम उत्तम हो, हम पहले नहाएंगे। अब पहले स्नान करने के को लेकर के झगड़ा हो गया नागा और वैष्णो साधुओं में। अब वो ऊपर बीबी भूल गए, अरकी पैड़ी भी याद नहीं रही, भगवान भी याद नहीं रहा, लठम लठा मुक्कम मुक्का गुट मारे, एक दूसरे के जबाड़ा काट दे, फिर तलवार निकाल ली और तीर ठोके एक दूसरे पर, यानी पूरा महाभारत शुरू कर दिया। कहते हैं 25,000 नागा और वैष्णो आपस में कटकर लड़कर और कत्लेआम हो गया और हर पैड़ी पर वहां पर सब सब ही दिखाई दे रहे थे, लाश पड़ी नरी, गंगा का पानी भी लाल कर दिया। अब यहां बताते हैं कबीर परमेश्वर, बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगा हुए हैं, ये पांचों नार 25 लड़के है, धुंधों धार मचावे हैं। कहती है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की आगे पांच तत्वों से बनी हुई पांच प्रकृति, पांचों तत्वों की फिर आगे से। तो कहते हैं ये 25 प्रकृति और पांच ये क्रोह विकार, कहते अंदर पूरी धुंधों धार मचा रहे हैं, सबके अंदर पूरा इनका बोलबाला है, इनकी इनसे ये रहित नहीं है।